तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो ये होंडा की SP125 है, इसके अंदर आखिर क्या स्पेशल फीचर्स हैं जिनके लिए आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे अधिकतर इन्फॉर्मेशन डिजिटली आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी मिल जाता है, साथ में आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर और इसके साथ यहाँ पे रेंज को देखने के लिए रेंज का जो है वो इंडिकेटर वो मिल जाता है। यहाँ पे एक इको की लाइट भी अलग से देखने को मिल जाती है। डिजिटल मीटर काफी बढ़िया है, बस इसकी एक ही कमी है कि इसके अंदर यहाँ पे USB पोर्ट और दे दिया जाता और साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दे दी जाती तो ये काफी बढ़िया हो सकता था। दूसरा जो पॉइंट है वो इसकी सीट है। सीट की इसकी लंबाई काफी बढ़िया है, मतलब आप आराम से 3 लोग इस पे बैठ सकते हैं, लेकिन जो सीट की जो क्वालिटी है वो इतनी खास नहीं है। यहाँ पे मतलब 50-60 किलोमीटर तक तो ठीक है, आप डेली अगर कम्यूटिंग के हिसाब से देखते हैं तो तब तो ठीक है, लेकिन जहाँ बात आती है बहुत लंबी राइड की तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक के इसको रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीट थोड़ी 30-40 किलोमीटर के बाद थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो जाती है और चुभने लगती है। इसके अलावा यहाँ पे सेडलिंग करने में ये जो साइड के फेंडर्स हैं ये बाहर निकले हुए हैं, जो सेडलिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, बट जो इसका लुक है ये इसको काफी स्पोर्टी लुक देते हैं। तो अगर आपको स्पोर्टी लुक की बाइक पसंद है तो आप इसके जो ये लुक की वजह से इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा इस बाइक का जो माइलेज है वो तो सभी जानते ही है, जिसके कारण ये नहीं ज्यादा फेमस है 125 सीसी के अंदर। तो अपनी जो माइलेज के कारण इस बाइक को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो माइलेज की यहाँ पे जो मैं आपको बात करूँ, पर्टिकुलर माइलेज ये जो है 60 से 65 के बीच देती है, और बहुत से लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं 70 ऐसे कुछ मिल रहा होगा, लेकिन मैं इतनी अच्छी तरह से उसको चलाता हूँ फिर भी ये मुझको डबल सवारी और सिंगल सवारी 60 से लेकर 65 के बीच के अंदर ही ये माइलेज देती है। तो यहाँ पे जो पहले बाइक आती थी उसके अंदर पीछे के टायर थे वो काफी पतले साइज के थे, लेकिन अब जो नया जो वर्जन आ रहा है इसके अंदर ये पीछे के टायर हैं काफी चौड़े हैं, तो ये भी आप इसको एक कंसीडर कर सकते हैं। सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे हमें ड्यूल कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाता है, दोनों ब्रेक एक साथ लगते हैं इमरजेंसी की कंडीशन में, तो उस ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे बाइक स्किड होने के कम चांस रहते हैं। तो इस बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है मुझे काफी ठीक लगा, जो इसकी हैंडलिंग है काफी बढ़िया है, मतलब कंफर्टेबल है। लॉन्ग राइड में जैसे मैं जाता रहता हूँ तो जो लोग लॉन्ग राइड करते रहते हैं उनके लिए काफी कंफर्टेबल है, और जो डेली कम्यूटर्स हैं उनके लिए भी 50-60 किलोमीटर तक तो काफी कंफर्टेबल है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि 50-60 किलोमीटर आपने इस पे कब कर लिए। तो जिसकी हैंडलिंग है थोड़ी सी अग्रेसिव है और काफी स्पोर्टी है, मतलब ठीक है बढ़िया है, ना तो आपके शोल्डर्स पे पेन होता है ना आपकी कमर में दर्द होता है। हाँ, कमर में दर्द केवल इसके सिर्फ सस्पेंशन है हार्ड है इसके कारण होता है, थोड़ा जो खराब रोड पे इस पे सस्पेंशन है काफी हार्ड फील होता है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो मुझे लगता है कि आपको कंसिडर करने चाहिए होंडा SP125 को लेते समय। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।